Okay, ma'am, your session is live, so you can start now. Good evening, all lovely mothers of Ashiana Societies. And my name is Ruchika. Today, whatever I'm going to speak is all about understanding the meaning हम समझते थे योगा एक्चुअली उससे भी बहुत ज्यादा है तो आज हम सब मिलके उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको एक्सपीरियंस भी करेंगे हम योगा को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं दिस इज नॉट अबाउट आसनास बट मच मोर बियॉन्ड तो आप सब को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट इसमें अगर मैं आप लोगों से सबसे पूछूं कि हमें योगा से क्या समझ आता है तो आप क्या कहेंगे योगा से हमारा हेल्थ माइंड अच्छा रहता है मोस्टली माइंड बहुत अच्छा रहता है योग तो शोभना मैम यस 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 योग ना सिर्फ हमारी बॉडी को ठीक रखता है हमारी मतलब हमारे जो इनर पार्ट्स हैं उनको भी ठीक रखता है एक तरह से पूरा हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है योग से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है हमारे विचार बहुत अच्छे हो जाते हैं जब हम योग को महसूस करते हैं योग में जाते हैं तो काफी कुछ मतलब हमारी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है योग से शोभना जी बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया आपने एक्चुअली मैं भी योगा टीचर हूँ ओके तो आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर है ओके यस तो गीतांजलि जी भी कुछ बोल रही हैं शायद वो भी कुछ बताना चाहती हैं नहीं मैंने सेम ही बोला माइंड बहुत स्ट्रांग रहता है योगा से तो हमें क्या लगता है कि योगा से सिर्फ आसन ही समझते हैं या योगा इसके अलावा भी कुछ और है नहीं आसन तो मेन है आसन टू मेन आसन योगा टू होना ही सही है अर्चना जी भी कुछ कह रही हैं कि हम अपनी सोसाइटी में मॉर्निंग में 5:30 से 7 हम लोग का योगा चलता है तो पहले हम आराम करते हैं उसके बाद आसन करते हैं उसके बाद प्राणायाम फिर ध्यान और सिंहासन से समाप्ति करते हैं और ऋषिका मैम आपको भी होती है जी जी गीता आपको भी शायद पता है आसियाना टाउन में हम लोग भी रोज योगा करती हूँ आप शायद देखा है पहले जी 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 हाँ पार्क में लोग आसियाना अभी मैं आसियाना अनमोल में हूँ हाँ हाँ मैम पता है मुझे और अभी शायद फिर से हम लोग आते जाते रहेंगे टाउन में भी सब लोग आशियाना तो अच्छी सोसाइटीज हैं सो वी कीप ऑन मूविंग जी अच्छा तो अर्चना जी ने भी बहुत ही सुंदर आंसर दिया और हम सब इसका इतने अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं क्योंकि हम इसको एक्सपीरियंस भी करते हैं हमने देखा है प्रवेश कुमारी सिंह हेलो ओके हेलो जी सो वी कैन से जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हम तभी उस चीज की खूबसूरती को जान पाते हैं आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी पावर पॉइंट स्लाइड दिखाने वाली हूँ और उसमें हम इससे भी ज्यादा इसके मीनिंग को समझेंगे तो मैं अपना स्क्रीन अभी शेयर करती हूँ मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है यस मैम सो अभी जो मैंने पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर की है ये हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से है और हार्टफुलनेस में हम लोग योगा और मेडिटेशन सभी कुछ करते हैं और मैं हार्टफुलनेस में ट्रेनर भी हूँ तो इसी के थ्रू आज हम समझेंगे कि रियल पर्पस योगा का क्या है और इसका मीनिंग क्या है तो आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि योगा बेसिकली हमें लाइफ में बैलेंस लेके आता है इट इज ब्रिंगिंग बैलेंस इन आवर लाइफ वी कैन सी हियर अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन वन फुट ऑन वन लेग एक लेग को पकड़ के और एक ही पैर कहीं ना कहीं हम लोग बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं योगा के द्वारा तो असल में ये बैलेंस क्या है इसको हम समझते हैं कि बैलेंस किस तरह से लेके आ सकते हैं तो जब हम बैठते हैं और हम समझते हैं कि एक नेचुरल स्टेट है जब हम योगा में होते हैं योग का मतलब होता है जोड़ जो मेरे को
जो मेरा हायर सेल्फ है उससे जोड़ दे। मेरा हायर सेल्फ मतलब जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं। तो योगा इज अ पावरफुल नेचुरल स्टेट दैट कैन इंस्पायर यू इन मेनी वेज। बहुत बहुत अलग तरीके से ये हमें इंस्पायर करता है। योगा इतनी पावरफुल स्टेट है, तो आज हम समझते हैं कि हमें कैसे इंस्पायर करता है और हमें बैलेंस, हमारी लाइफ में बैलेंस को कैसे लेकर आता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज योगा इंस्पायर अस एंड बैलेंस अस। यू कैन ऑल सी अ ब्यूटिफुल पिक्चर, अ ब्यूटिफुल सीनरी हियर, जहां पे समबडी इज स्टैंडिंग ऑन द हिल और एक बहुत ही शार्प टापू पे वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये पिक्चर एक रिप्रेजेंटेशन है टू इंस्पायर। दिस गर्ल इज इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस, शी इज कीपिंग अ बैलेंस एंड दैट्स व्हाई शी इज स्टैंड स्टिल। अभी हम आगे समझते हैं इसका मतलब क्या है। अभी अर्चना जी ने, शोभना जी ने, गीतांजलि जी ने सभी ने बताया कि योगा में करके हमें बहुत ही शांति मिलती है, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो जब हम सुबह 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 बैठते हैं तो ताजी हवा होती है, उस वक्त हम अपने पार्क में ग्रीनरी वाली जगह पे जहाँ पे वायु बहुत शुद्ध है, वातावरण बहुत शुद्ध है, हम वहां पे जाके आराम से बैठते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा लगता है। बट योगा इज नॉट ओनली अबाउट द बॉडी और अबाउट द एक्सरसाइजेस, योगा इसके बियॉन्ड है। यहाँ पे क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। युज एक शब्द है जो संस्कृत का शब्द है, युज का मतलब होता है योगा से बना, युज, युज से निकला है एक्चुअली योगा शब्द, जो संस्कृत का शब्द है युज उससे निकला है योगा। तो योगा का मतलब होता है टू यूनाइट, टू योक टूगेदर, एक साथ आना। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो एक साथ आ रही हैं, योर बॉडी, आपका जो पूरा शरीर है, योर माइंड, व्हेन यू डू एक्सरसाइज, व्हेन यू जस्ट कीप ऑन प्राणायामा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जब आप सब करते हैं तो हमारे माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। जो तीसरी चीज इसमें इन्वॉल्व होती है वो होती है स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स माय सोल, मेरी जो आत्मा है वो भी बहुत शांत महसूस करती है। और इन तीनों का जो ओवरलैपिंग होता है, ये तीनों जहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे मेरी बॉडी रिलैक्स्ड है, मेरा माइंड एकदम काम है और मेरी जो सोल है वो भी एकदम पीसफुल स्टेट में है, तो ये जब तीनों मिलते हैं एक साथ तो इस स्टेट को हम योगा बोलते हैं। This is yuj, that means yoga. So it is overlapping of body, mind and spirit. तीनों ही calmness वाली stage पे होती है, बिल्कुल शांत, जिसको स्थित प्रज्ञा बोला है कृष्ण ने भगवद गीता में। स्थित प्रज्ञा जो अपनी ही बुद्धि में स्थिर है, जो चिर स्थायी है एक जगह, तो ये इसका मन ज्यादा विचलित नहीं है क्योंकि शांति है वहां पे, बैलेंस है वहां पे। योगा का कोई किसी धर्म से लेना देना नहीं है, ये तो एक साइंस है। अगर मैं पूछूं साइंस है तो आप साइंस को कैसे बताएंगे, साइंस क्या बताता है? साइंस में बेसिकली हमारा कॉज एंड इफेक्ट आता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक दीवार पे एक बॉल फेंकी है, तो उसी फोर्स के साथ वो बॉल वापस मेरे साथ आएगी, मेरे पास आएगी। न्यूटन का थर्ड लॉ भी था ये, जिसमें पढ़ा था हमने, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम जो भी कुछ करते हैं उसका परिणाम जरूर हमारे सामने आता है। सो कॉज एंड इफेक्ट, इसको हम साइंस बोलते हैं। इट इज अ साइंस ऑफ वेल बीइंग, मेरी पूरी की पूरी, जिसमें मेरा पूरा का पूरा कल्याण हो रहा है। जैसे एक अभी एक मॉम ने एग्जांपल दिया था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेरी पूरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, मेरी होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है मेरा। दिस इज अ साइंस ऑफ वेल बीइंग, इट कीप्स अस यंग। जो भी योगा करेगा वो तन से, मन से, आत्मा से हमेशा यूथ रहेगा, यूथफुलनेस की फीलिंग रहेगी, हमेशा जवान रहेगा। योर माइंड इज हैप्पी, योर सोल इज हैप्पी एंड ऑफ कोर्स योर बॉडी इज फीलिंग सो रिजुनेटेड। सो दिस इज अ साइन ऑफ यूथफुलनेस, आप हमेशा जवान बने रहते हैं। साइंस ऑफ इंटीग्रेटिंग बॉडी, माइंड एंड सोल, जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो युज, जो मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो हमारा योगा बनता है। इसका सिर्फ मतलब एक्सरसाइजेस करना ही नहीं होता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट डूइंग सम एक्सरसाइजेस, कि हम लोग पार्क में गए, हमने एक्सरसाइज की, प्राणायाम किया और हम वापस आ गए, बट इट इज बियॉन्ड दैट, उसके भी बहुत ज्यादा है। ये क्या है, इसमें क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। नंबर वन, इट इज टू एक्सपेंड योर अवेयरनेस, आपके आसपास क्या हो रहा है उसकी आपको खबर होती है। दो यू आर सिटिंग डाउन विद क्लोज्ड आईज, आप बंद आंखों के साथ बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आज मैं आपको वो एक्सपीरियंस कराऊंगी,
एक एक्सपीरियंस सेशन होगा हमारा, उसमें आप देखेंगे कि आपकी आंख बंद है, आपको कुछ नहीं पता आपके आसपास क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको पूरी अवेयरनेस है. इट शार्पन्स योर इंटेलेक्ट, आपकी जो बुद्धि है उसको तीक्ष्ण बनाता है ये. तो इसलिए योगा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, इवन आजकल जो मदर्स हैं, जो होम मेकर हैं, दे आर मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन, सबसे ज्यादा काम है उनके पास. तो उनकी इंटेलेक्ट को भी कहीं मैं कुछ रख के भूल जाऊं या क्या हो रहा है, उम्र बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जो योगा जो करते हैं वो लोग, उनकी इंटेलेक्ट भी शार्प होती है. एंड योर इंट्यूटिव एबिलिटी. इंट्यूशन क्या होता है कि मैं आगे क्या डिसीजन लूं, मेरे साथ आगे क्या होने वाला है. इट इज मेकिंग अस मोर विजनरी टुवर्ड्स आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए हमें ज्यादा दूरदर्शिता के बारे में ज्ञान कराता है. सो योगा इज सच अ वंडरफुल टूल विच वी मे हैव विद अस. योगा में एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है जो ऋषि पतंजलि ने दिया था. ऋषि पतंजलि ने एक कंसेप्ट दिया था अष्टांग योगा का. द कंसेप्ट ऑफ अष्टांग योगा, अष्टांग अगेन इज अ वर्ड ऑफ संस्कृत, ये संस्कृत का वर्ड है. अष्टांग का मतलब होता है आठ, अष्टांगा आठ लिंब. इसमें बताए गए हैं कि योग के आठ तरह के इसके लिंब हैं, इसके आठ पार्ट्स हैं, आठ कंसेप्ट्स हैं, और ये कंप्लीट पैकेज है. इट्स अ होल पैकेज, कंप्लीट पैकेज वर्किंग टुवर्ड्स द यूनियन एंड ओवरऑल वेलबींग. आप पूरी तरह से संपूर्ण बनते हैं जब आप अष्टांग योगा के बारे में बताते हैं. तो आज चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर की तरफ. बीच में एक लोटस का फ्लावर है, वी कैन से देर आर डिफरेंट पेटल्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देर आर डिफरेंट पेटल्स, एट पेटल्स आर देयर. और ये अष्टांग योगा में जो हम आसन की बात करते हैं वो तीसरे नंबर पे आता है. तो योगा में और क्या क्या आता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. नंबर वन इज यमा. यमा क्या होता है, गुड कंडक्ट, आपको सच बोलना है, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, जेनरोसिटी, ये सब यमा में आती है. यम का मतलब यमराज से भी है. यमराज का मतलब मेरे अंदर जितनी भी बुरी चीजें हैं वो निकल जाए, जैसे कि मैं अनुशासन का पालन नहीं कर रही हूं तो वो निकल जाए, मैं झूठ बोलती हूं तो वो निकल जाए. तो क्या बचेगा मेरे अंदर, अनुशासन बचेगा, सच बचेगा. मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी वो निकल गई तो क्या बचेगा, पॉजिटिविटी बचेगी. सो यमा, अगर हम इसका एक पार्ट भी स्टार्ट करने लगे अष्टांग योगा का, तो एक लाइफ हमारी एक ही पार्ट को फॉलो करने में लग जाएगी. अगर हम बात करें राजा हरिश्चंद्र की, जो कि हिंदी की सबसे पहली मूवी भी बनी थी, राजा कष्ट उठाए थे अपनी लाइफ, वो उनकी एक तपस्या थी जो पूरी लाइफ चलती रही. अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ जाएगा कि किस तरह से हरिश्चंद्र ने अपनी लाइफ में यमा नियमा का पालन किया. नियमा क्या होता है, नियम एज द नेम सजेस्ट, नियमा इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट रेगुलरिटी. हमारे जीवन में जो भी चीज हम कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं, जो भी चीज हम नियमित रूप से पालन करते हैं, मेरे को सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है, मेरे को सैर पे जाना है तो जाना ही है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे ध्यान करना है, वी सेट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर आवर लाइफ. सो दिस इज नोन एज नियमा, regularity and observation. Yama and Niyama both are contradictory to each other, both are opposite to each other. Jab Yama hamara khatam hota hai to hamara Niyama start ho jata hai. Third stage jo yahan se aati hai wo aati hai asana, asan, posture. Aap dhyan mudra mein bhi kar sakte hain. तो हमारा आता है प्राणायाम. प्राणायाम हम सब इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. हम अपनी सांसों को कंट्रोल करके अपनी लाइफ बहुत बेहतरीन बना सकते हैं. एंड देर आर मेनी मोर एग्जांपल्स ऑफ प्राणायाम लाइक कपालभाति, अनुलोम इनका डिस्कनेक्ट हो गया. एक सेकेंड.
ओके दैट इज आसन. बाद हमारा प्राण है. प्राण मीन्स ब्रेथ रेगुलेशन, जहां पे हम अपनी प्राण शक्ति का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद जो पांचवा है दैट इज प्रत्याहार. प्रत्याहार में एक बहुत ही हमारे है. आपने सबने टोर्टोइस देखा होगा, कछुआ सभी ने देखा होगा. उसके जो ऊपर की शेल होती है वो बहुत मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है मैम, आई जस्ट स्टॉप शेयर. देयर इज इलेक्ट्रिसिटी इशू एक्चुअली मैम. लेट मी शेयर अगेन. इज इट विजिबल नाउ? यस मैम. देन प्रत्याहारा का जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज टोर्टोइस. टोर्टोइस के ऊपर एक बहुत ही पत्थर की जैसी शेल होती है. जब भी उसको कोई खतरा महसूस होता है तो वो अपने आप को, अपनी गर्दन को, अपने हाथ पैरों को उसके अंदर छुपा लेता है. सो दिस इज वॉट ही इज द टोर्टोइस इज एक्चुअली सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम द डेंजर आउटसाइड इन द आउटसाइड विसिनिटी. इफ ही फील्स लाइक दिस इज अ डेंजर वो अपने आप को छुपा लेता है उसमें. तो इस चीज को हम बोलते हैं प्रत्याहारा. प्रत्याहारा का मतलब है हमारे जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आंखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए, टच स्किन जो हमारी टच के लिए है, और टेस्ट के लिए हमारी टंग है. तो हमारी आंखें वो ही देखें जो इसे देखना है, हम वो ही टेस्ट करें. हमारी जीभ बहुत ललचाई रहती है, कई बार हमें गोलगप्पे खाने का मन करता है, छोले भटूरे खाने का मन करता है. तो कंट्रोल प्रत्याहारा बोलते हैं इसको, बोलते हैं इनर विड्रोल. अपनी ही इंद्रियों में अपने अंदर समाहित होना, पूरा कंट्रोल रखना. रीस्ट्रेन इज पॉसिबल व्हेन यू थिंक विद संकल्प शक्ति, आप उसको कर सकते हैं. तो उसको प्रत्याहार बोलते हैं, इनर विड्रोल. योगी लोग जो होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं. सो ये जो होता है ये प्रत्याहार बोलते हैं, इसको इनर विड्रोल बोलते हैं. इससे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है. कहीं ना कहीं अंदर हमारा मन करता है कि हम ये मूवी देख लें, हम गाने ले, और हमें पता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट वी आर सिटिंग देयर डूइंग. हम उसके बदले बहुत अच्छा काम में अपने आप करते हैं, अपनी लाइफ को ब्यूटी, बट वी जस्ट डोंट केयर अबाउट. हर एक चीज व्हाटएवर वी डू विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन्स दैट मेक्स एन इंपैक्ट ऑन आवर ओवरऑल पर्सनैलिटी. पूरी पर्सनैलिटी पे हमारे इंपैक्ट डालता है. देन इज धारणा. धारणा का मतलब है कंसंट्रेशन. धारणा का मतलब है मेंटल फोकस. मेरा ध्यान किधर है, मैं कितनी देर तक फोकस कर सकती हूँ, इसको बोलते हैं धारणा. धारणा इज समवॉट रिलेटेड विद योर परसेप्शन ऑल्सो, विद योर प्रीकंसीव्ड नोशंस ऑल्सो, कि आपने पहले से ही कुछ मान रखा है, आप उसको बदलना ही नहीं चाह रहे. जैसे कई बार हम बुजुर्गों के केस में कहते हैं ना, अब आपको ही बदलना पड़ेगा, ये बदलेंगे नहीं. तो वो धारणा उन्होंने जो बनाई हुई है, जिस किसी चीज को उन्होंने पकड़ा हुआ है उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. नेक्स्ट जो सेवंथ स्टेज आती है हमारी, वो होता है मेडिटेशन, ध्यान. हार्टफुलनेस में जब हम ध्यान करते हैं तो हम ध्यान से ही शुरू कर रहे हैं. ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा एंड धारणा, ये सारे के सारे ध्यान में समाहित हैं. तो हम जब ध्यान करते हैं, आज मैं आपको उस तरफ लेके जाऊंगी, आपको वो एक्सपीरियंस कराऊंगी जिसमें हम ये सब चीजों को एक साथ समाहन देखेंगे. ये सारी चीज समाहित है उसमें. उस ध्यान को जब हम करते हैं दैट इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ योर लोअर सेल्फ मर्जिंग विद योर हायर सेल्फ. जब हमें लगता है कि मैं ध्यान में हूं और पूरी तरह ईश्वर में लीन हो गई हूं, वो जब स्टार्टिंग होती है वो ध्यान होता है. दैट इज द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. और जब हम उस स्टेट को अचीव कर लेते हैं कि नाउ माय लोअर बीइंग, माय स्मॉल बीइंग इज मर्ज्ड विद द हायर बीइंग, देन इट इज अ स्टेट ऑफ समाधि. ओरिजिनल कंडीशन है ये हमारी सभी की. हमारी जो सोल है, हमारा जो मन है, वो हमेशा शांत रहना चाहता है, वो शांति की तलाश में रहता है. इसलिए हम सब लोग उसी को तलाशने के लिए छुट्टियां बिताने बाहर जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, नए अच्छे कपड़े पहनते हैं, लोगों की वाहवाही सुननी हमें अच्छी लगती है, क्योंकि हमें लगता है इससे पीस मिलती है, जबकि इसका रीजन कहीं और ही है. समाधि वो कंडीशन होती है जिसमें, जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे एक हिरन के बारे में जिसका नाम होता था कस्तूरी मृग. उसकी नाभि के अंदर से खुशबू आती थी,
और वो सारे जंगल में ढूंढता फिरता है, भागा भागा फिरता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, उसे पता ही नहीं है, खुशबू तो उसके अंदर से ही आ रही है। तो ये जितनी भी चीजें, जितने भी हम सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं बाहर की दुनिया में, एक्चुअली वो बाहर खुशियां नहीं है, वो सब हमारे अंदर ही है, और वो योगा से प्राप्त की जा सकती हैं, वो अचीव की जा सकती हैं। एंड दैट स्टेट ऑफ योगा इज द अल्टीमेट स्टेट विच इज नोन एज साधि। ये बहुत दूर नहीं है, ये हम चाहें तो हम इसी जीवन में इसको अटेन करते हैं, लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए कि यस मैं इसको करना चाहती हूँ, मैं इसको करना चाहता हूँ। सो समाधि इज द ओरिजिनल कंडीशन विच इज एक्चुअली थाउजेंड एंड मिलियन टाइम्स हायर देन एनी अदर प्लेजर ऑफ दिस वर्ल्ड, इसका कोई बयान ही नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम इन चीजों को मैंने वैसे तो एलोबरेट कर दिया है, लेकिन फिर भी इसमें धीरे धीरे एक मैं एग्जाम्पल के साथ आपको और बता देती हूँ। रियल पर्पज ऑफ यमा एंड नियमा, एज आई हैव टोल्ड यू, दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। यमा का मतलब है अनवांटेड हैबिट्स को अपने अंदर से हटाना, बुरी चीजों से बचा के रखना। जैसे कई बच्चे होते हैं आजकल, वो सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल लेने लग जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे थोड़ी देर के रिलैक्स मिल गया, एग्जाम आ रहे हैं, बच्चे इस तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, उनको लगता है कि यहाँ से मुझे सुकून मिल रहा है। करियर की टेंशन है, पेरेंट्स का प्रेशर है, बाहर सोसाइटी का प्रेशर है, तो कई बार बच्चा जो है अनवांटेड हैबिट्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। वॉयलेंस, ग्रीड, स्टीलिंग, लाइंग, झूठ बोलना, चोरी करना, लालच आना, हिंसा करना, ये सब यमा का एग्जाम्पल है। यमा का मतलब होता है यमराज, यमराज का मतलब सारी की सारी नेगेटिव क्वालिटीज। दूसरी तरफ अगर हम नियमा की बात करें, नियम क्या होता है, एम्ब्रेसिंग द ह्यूमन क्वालिटीज, हायर ह्यूमन वैल्यूज, जिनको हम डिवाइन वैल्यूज भी बोलते हैं। हम अपने अंदर अच्छी आदतों को लाना शुरू करें, जैसे कि प्योरिटी, आई एम हैप्पी। कई लोग बोलते हैं यार मेरे जीवन में बड़े दुख हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब कुछ है लाइफ में लेकिन फिर भी कंप्लेन है, हैप्पीनेस नहीं है। बिकॉज हैप्पीनेस, टू बी हैप्पी, इट्स अ हैबिट, ये कहीं बाहर से नहीं आता है, ये हमारी हैबिट होती है। क्या हम खुश रहना जानते हैं या हम जानते ही नहीं है? सो कई लोग हर चीज में रोते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं है, फकीर हैं फिर भी खुश हैं, दे आर हैप्पी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, दे आर कंटेंटेड, संतोष है उनके अंदर, दे आर ग्रेटिट्यूड। मेरे को अगर दो वक्त की रोटी भी मिल रही है तो ईश्वर का धन्यवाद, मेरा घर है, थैंक यू भगवान जी, मेरे को पानी पीने के लिए मिल रहा है, थैंक यू भगवान जी। लेट स्टार्ट सेइंग थैंक यू विद हार्ट for each and everything whatever we have eyes to see. Many people are there who do not see, who can't see. There are many people who are mentally imbalanced, we are balanced in our, we are in our senses. So don't you think so, for everything whatever we have we should be thankful to the ultimate, to the higher self, hame unke liye thank you karna chahiye. To ye yama and niyama hai. Asana and pranayama, asana maine aapko bataya posture hota hai, बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि हम एक जगह बैठना सीख जाएं, और एक जगह बैठने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे मेरा जो मन है वो ध्यान में रमने लगेगा। तो आसना योगा नहीं है, आज हमने ये समझा है, आसन इज नॉट योगा, बट आसन इज अ पार्ट ऑफ योगा, एक छोटा सा पार्ट है आसन। और प्राणायामा भी योगा नहीं है, ये भी एक पार्ट है उसका, आठ लिंब है उनमें से एक लिंब है ये, एक पार्ट है ये। प्राणायामा में हम क्या करते हैं, जब हम अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, तो हम अपना जो एनर्जी फ्लो होता है उसको बैलेंस करते हैं। वी आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग व्हाट, मॉडरेटिंग, मॉडरेशन ऑफ एनर्जी फ्लो, उसको हम अपने अंदर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, चलिए हम सब सांस लेते हैं, राइट? तो हम breath you take, think that you are drawing nobility and goodness from the existence all around. Pehla niyama ko follow karte hain. Jab hum saans le rahe hain, aankh band kar lijiye, aaram se baith jaiye, aur jab aap saans le rahe hain to aisa mehsoos kare ki is duniya mein, is puri surroundings mein, is vatavaran mein jo bhi positive cheeze hain, jo bhi achhai hai, wo sab main inhale kar rahi hu, और जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी मेरे अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं,
मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटीज हैं वो सब एक्सहेल कर रही हूँ, वो सब बाहर जा रही हैं। करिए 5 बार इनहेल, 5 बार एक्सहेल करिए। I'm inhaling goodness. I am exhaling the complexities. मैं सांस के साथ सारी पॉजिटिव चीजें ले रही हूँ और सांस जब बाहर छोड़ रही हूँ तो सारी नेगेटिव चीजें बाहर जा रही हैं। Just experience it for 5 times. Do it at your own. Inhale good things. Exhale bad things. Inhale positive things. Exhale negative things. Inhale purity. Exhale impurity. Inhale simplicity. Exhale grossness or heaviness. So this way, how do you feel? Just think about it. आपको कैसा लग रहा है? नियमा को हम अपने जीवन में अपनाएं और जो भी यमा है उसको हम अपने जीवन से बाहर निकाल दें। ये छोटी छोटी अफर्मेशंस हैं। सर में दर्द हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो हम ये चीजें अपनी लाइफ में कर सकते हैं। इनका बहुत प्यारा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। कभी भी आप इसको लाइफ में करके देख सकते हैं। प्रत्याहारा और धारणा। प्रत्याहारा का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपने दिमाग में एक ही चीज को लगातार सोचते जाना। बहुत विचार होते हैं हमारे पास दिन भर में, 50,000, 60,000, 70,000 हमारे विचार चलते रहते दिन में लगातार, हमें पता भी नहीं चलता है। इतने विचार, एक विचार खत्म हुआ अगला विचार हो गया शुरू। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे विचार बहुत हैं, मैं आंख बंद करके बैठ ही नहीं पाती हूँ क्योंकि वो विचार हमें पता ही नहीं है कि उनको रेगुलेट कैसे करें। तो प्रत्याहार एक ऐसा टूल है अष्टांग योगा का, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही चीज पे अपना ध्यान लगा के रखते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करनी है इसमें। एक ऑब्जेक्ट लिया आपने, जैसे कई कहते हैं कि मैं अपने माथे के बीच में जहां बिंदी लगाती हूँ वहां पे मैं इसको सोचती हूँ, मैं अपनी सांसों पे सोचती हूँ। हार्टफुलनेस में हम अपने हृदय पे ध्यान करते हैं, जहां पे हम सोचते हैं कि हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश है, उसके ऊपर हम ध्यान लगाते हैं और धीरे धीरे वो प्रकाश भी गायब हो जाता है और हमारा ध्यान स्वतः ही लगने लग जाता है। देन धारणा। धारणा इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू। इसका मतलब होता है लर्निंग टू कंसंट्रेट। कई लोगों को बोला जाता है ये ध्यान करते हैं तो वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो मेडिटेशन है वो कंसंट्रेशन की मदर होती है। इन द सेंस, अगर हम मेडिटेशन करने लगेंगे तो कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एबिलिटी टू होल्ड समथिंग। नाउ आई थिंक डिवाइन लाइट इज देयर इन माई हार्ट। तो मुझे कहीं और जा रही हूँ, फिर से वापस लेके आ गई अपने मन को। ओके, आई एम मेडिटेटिंग, रिमाइंडिंग माई सेल्फ आई एम मेडिटेटिंग। एंड वॉट आई एम मेडिटेटिंग अपॉन? आई एम मेडिटेटिंग अपॉन माई हार्ट, वेयर द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन लाइट इज देयर। तो धारणा, एक ही चीज को पकड़ के रखना। कई लोग होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, एक ही बात को पकड़ के रखते हैं, चेंज नहीं होना चाहते। वो उनकी धारणा बन जाती है, पक्का हो जाता है उनके माइंड में, वो चेंज नहीं करना चाहते। और लास्ट आपका आता है ध्यान और समाधि। ध्यान का मतलब है बहुत ही पीसफुल, काम और बैलेंस्ड स्टेट, और समाधि वो कंडीशन है जहां पे आप पूरी तरह से डूब गए हैं मेडिटेशन में और उसी वक्त आपको ये भी पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। 10,000 मॉन्क्स की स्टडी की गई थी, नन की स्टडी की गई थी, जो लोग ध्यान करते हैं ना उनकी स्टडी की गई थी 10,000 लोगों की। तो ये पाया गया था कि जब वो समाधि की स्टेट में थे, जब वो बिल्कुल डूबे हुए थे ध्यान की स्टेट में, तो उनको ये भी अवेयरनेस थी कि उनके आसपास क्या हो रहा है। इससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है उसमें डेल्टा वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो कि हमारे दिमाग को शांत भी कर देती हैं, एकदम रिलैक्स हो जाता है। साइंस के पास भी कुछ रिलैक्स करने का नहीं है दिमाग को, हमारे न्यूरॉन्स को। सिर्फ एक मेडिटेशन या ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और हम एक बिल्कुल पीसफुल स्टेट को अटेन कर सकते हैं, राइट? तो समाधि वो स्टेट है जिसमें आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं और आपको अवेयरनेस भी है। तो उन लोगों पे जब स्टडी किया गया
तो उनका जो दिमाग था वो एकदम सोई हुई अवस्था में था, और साथ ही साथ वो एक साइंटिस्ट, एक हाईएस्ट साइंटिस्ट के लेवल पे भी काम कर रहा था। दोनों ही चीजें, दोनों ही वेव्स एक साथ देखी गई इन मॉन्क्स के माइंड में। इतना इफेक्टिव होता है ध्यान, मेडिटेशन। एक छोटा सा वीडियो सुनते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम डॉक्टर कमलेश डी पटेल है, ये हैदराबाद में है, वैसे ये अमेरिका में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो थी उसमें ये सीईओ थे। अभी ये कहना शांतिवनम एक जगह है हैदराबाद में, वहां पे हार्टफुलनेस के प्रेसिडेंट हैं। बस इनको सुनते हैं योगा के बारे में ये क्या कहते हैं। योगा इज समथिंग दैट एलिवेट्स अस, मेक्स अस लाइटर, मेक्स अस बियॉन्ड, इट क्रिएट्स वननेस। देयर आर मेनी स्टेप्स, मेन वंस आर 8 steps. That's why it's called Ashtanga Yoga by Patanjali. See? In our heartfulness way, we begin with last 3 steps. Dharana, Dhyana and Samadhi. Babaji says that we have to take up the other 5 later on in our life. Later on does not mean towards the end of your life, but within few months, when you have full grip, when you have enough mastery over how to manage your time with meditations and cleaning, and when you have extra time, then you take up other activities that will consume a bit of your time, especially asana and pranayama. Other steps like yama, niyama and pratyahara, they don't consume any time at all. तो इसमें दाजी बता रहे हैं कि ये एक पूरा पैकेज है जो अष्टांग योगा है, ये पूरा पैकेज है। तो ये लास्ट के जो 3 स्टेप्स है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हार्टफुलनेस में, धारणा, ध्यान और समाधि। दो चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती है जो बाद में हम करना स्टार्ट कर सकते हैं, आसन और प्राणायाम। और 3 चीजें हमारे अंदर स्वतः ही आने लगती हैं, वो है हमारा प्रत्याहारा, आपका यम और नियमा। ये तीनों अपने आप आने लगती हैं, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि आपको जो आपका गृहस्थ जीवन है उसमें किस तरह से शांति मेंटेन रखें, तो आप जब ध्यान करते हैं तो अपने आप शांति होने लगती है, क्योंकि आपको लगता है ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, दूसरा जो ऐसा है उसको वैसे ही स्वीकार करें। तो इस तरह की चीजें आपके अंदर आने लगती है, आप शांत होते जाते हैं और अपने आप इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हार्टफुलनेस योगा, एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है जो कि योगा के बारे में बहुत ज्यादा प्रचलन है। अब ये बता रहे हैं योगा और आसना के बारे में, एक और छोटा सा वीडियो इसको सुनते हैं। आसनास ऑन देयर ओन स्टैंड does nothing. It has to be a combined effort. Asanas, pranayamas, this dharana, dhyana and samadhi. Ashtanga yoga is complete package deal. Starting with yama, niyama, pratyahara, pranayama, asana, dharana, dhyana and samadhi. It's a complete package. But in modern days what happens is do only asanas and say this is yoga. No, it is only one part of yoga. It is not a complete package. You are picking and choosing one thing because my focus is only at a bodily level, physical level. You have forgotten yamas, you have forgotten niyamas, pratyahara, you have forgotten all about pranayam, you have forgotten all about samadhi. So, picking and choosing just one activity just because you like it and it will satisfy you only at a physical level, I think we are abusing the whole system. It is like you're going to work and you'll choose to do only one thing which you like the most. What will your boss think? So, likewise, the whole system breaks apart when we are simply focused either on dhyana or only at physical. No, nothing will work. We have to have fine balance. What can a yogi do even if he's realized but cannot physically be fit? He has to be both physically fit at the same time enlightened.
Heartfulness teaches moderation, balance in all sorts of activities that you can perform. So, दाजी बता रहे हैं यहाँ पे कि कई लोग समझते हैं कि हमने आसन कर लिया तो हमने योगा हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने आज जैसे कि समझा है योगा इस आसना आसन जो है योगा का एक पार्ट है, प्राणायामा एक पार्ट है, लेकिन धारणा ध्यान ये भी एक पार्ट है। तो अगर हम ध्यान करें तो डेफिनेटली हमें साथ में योगा भी आसना भी करना है, हमें प्राणायाम भी करना है ताकि हम फिट रह पाए। अगर मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो क्या मैं ध्यान कर पाऊंगी, क्या मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगी? और अगर मैं ध्यान नहीं करूंगी और सिर्फ आसना ही करूंगी तो सिर्फ बॉडी फिट होगी, मेरा माइंड हो सकता है थोड़ा इम्बेलेंस्ड हो, इमोशनल मुझे प्रॉब्लम हो, मैं हर किसी से लड़ूं, हर किसी से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो, राइट? तो ये सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हम कैसे समझ सकते हैं चीजों को कि क्या क्या फायदे हैं योगा के, उनके बारे में बात करते हैं। तो क्या मैं आप लोगों से जान सकती हूँ कि आपको क्या लगता है योगा करने से, योगा के क्या क्या फायदे हैं? चलो आसन करने के क्या क्या फायदे हैं इनकी बात करते हैं, प्राणायाम करने के क्या क्या फायदे हैं इसकी बात करते हैं। क्या आप में से कोई बता पाएंगे? आसन करने से, योगा, प्राणायाम, अगर सबकी इकट्ठी बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि हमारा जो चिंता फिक्र थी वो दूर हो गई है, हमें इतना स्ट्रेस नहीं होता। और रात को कई लोगों को दिक्कत होती है कि हमें नींद नहीं आती, तो नींद भी आने लगती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारे अंदर बैलेंस आता है, हम थोड़े और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, रिजिड नहीं है अब हम कि हम नहीं मानेंगे बात को, हमारी जो सोल है वो एकदम पीसफुल स्टेट में आ जाती है, हमारा जो बिहेवियर है बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा बिहेवियर है कि हमारा इनसे बात करने का मन करता है, कंसंट्रेशन हमारी अच्छी हो जाती है और हमारे अपने थॉट्स में, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी रहती है। इसके अलावा भी बहुत ही ज्यादा फायदे हैं योगा के। संस्कृत का एक श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का, अध्याय 2 में है और 50वां श्लोक है, योगा कर्मेशु कौशलम। इसका मतलब है योग, जो योगी है या जिसके जीवन में योग साधना है उसका हरेक कार्य परफेक्ट हो जाएगा, एक्सीलेंट काम करेगा वो। अगर मैं एक मदर हूँ तो मैं एक परफेक्ट मदर हूँ, एक्सीलेंट मदर हूँ अगर मैं योगा करती हूँ तो। योगा मतलब मैं आसन भी कर रही हूँ, प्राणायाम भी कर रही हूँ, मैं धारणा भी है मेरी और मैं ध्यान भी कर रही हूँ, यानी कि मेरा ईश्वर की तरफ भी विश्वास है, मैं सबकी भलाई की भी कामना करती हूँ और मैं अपनी भी भलाई की कामना करती हूँ कि मैं योगा कर रही हूँ, आसना कर रही हूँ, प्राणायाम करती हूँ। तो एक्सीलेंस इन एक्शन इज योगा। जब मेरा कार्य इतना कुशल हो जाए कि लोग बोलें कि वंडरफुल, इतना एक्सीलेंट ये काम कर रही है, इतनी अच्छी मदर है ये, इतनी अच्छी डॉटर है ये, इतनी अच्छी वर्कर है ये, एम्प्लॉई है ये, सो वो चीज दिखती है लोगों को, इट इज एक्सीलेंस इन एवरीथिंग, वॉट एवर यू डू इन योर बिहेवियर, इन योर एक्शन, इन योर वर्ड्स, इट इज डिपिक्टिंग एवरीथिंग। सो योगा मीन्स मॉडरेशन, योगा मीन्स बैलेंस इन एवरीथिंग, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू डू। जब हम अपनी लाइफ में योगा की बात करते हैं तो हम अपनी डेस्टिनी को भी डिजाइन करते हैं, यानी कि हम अपने भाग्य का भी निर्माण करते हैं। कैसे? हम जब प्रैक्टिस करते हैं, डेली हम आसन कर रहे हैं, डेली हम ध्यान कर रहे हैं, उससे हमारी लाइफस्टाइल में चेंज आता है, हमारा जो रहने सहने का तरीका है वो बदल जाता है, हमारी जो हैबिट्स हैं वो बदल जाती हैं, हमारा जो करैक्टर है वो बदल जाता है, चरित्र निर्माण होता है जिसकी वजह से हमारी जो भाग्य है वो उदय होता है। तो प्रैक्टिस जब हम करते हैं, डेली की प्रैक्टिस, 5 मिनट का ध्यान, आधे घंटे का आसना, 15 मिनट का प्राणायाम, 10 मिनट का ध्यान, इस तरह से अगर हम करते हैं लाइफ में डेली की डेली करते हैं विदाउट रुके, मोटिवेशन के साथ, खुशी खुशी, ऐसा नहीं बोझ है सुबह उठना है अब मुझे ध्यान करना है, अब मुझे आसन करना है, ये बोझ नहीं होना चाहिए। इट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट, इट शुड कम फ्रॉम योर इनर वेलबींग, सो उससे डेस्टिनी का निर्माण होता है। इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म एंड विलिंगनेस इसके साथ होना चाहिए, राइट?
then we move to the next slide. This is about heartfulness practices. अभी मैं आप लोगों को कुछ practices के बारे में बताती हूँ. तो मैं आप सबको ले चलती हूँ heartfulness relaxation और heartfulness meditation की तरफ. तो जब हम heartfulness meditation की बात करते हैं, heartfulness के basically तीन parts हैं practices के. सबसे पहला relaxation है, जो कि बैठना सिखाता है हमें कि कैसे बैठे हम शांत होके. जब हम स्टिल होकर बैठते हैं तो हम स्वतः ही मेडिटेशन में चले जाते हैं और हम फील कर पाते हैं कि हमारा पीसफुलनेस और कामनेस, वेदर वी आर काम और पीसफुल और नॉट. क्लीनिंग एक दूसरा इसका प्रैक्टिस है. क्लीनिंग मींस मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, मेरे को बहुत तनाव है, तो मैं क्या करूंगी, एक टेक्निक होती है. शाम को हम बैठ जाते हैं सीधा और जितना भी इमोशनल बर्डन होता है उसको हम फील करते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है, सर भारी हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो सीधे बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और महसूस करेंगे ऐसा कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, अंदर जितनी भी भारीपन है, नेगेटिविटी है, वो सब धुआं के रूप में जा रहा है, जैसे पीछे से जा रहा है और धुआं के रूप में जा रहा है और धीरे धीरे उसको बाहर निकालना है. 10-15 मिनट में आप महसूस करेंगे कि खाली हो गए हो. अब आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और सोर्स से, जहां पे ये पूरी दुनिया को चल रहा, पूरी दुनिया को चलाने वाली जो एनर्जी है, वहां से एक बहुत ही डिवाइन करंट आपके हार्ट में एंटर कर रहा है और पूरी बॉडी में आपके में फैल रहा है. तो जो चीज खाली हुई थी, जहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ था, वहां पे उस डिविनिटी से आप उसको फिल कर रहे हैं by connecting to the source within through prayer. तीसरा जो पार्ट है heartfulness का, वो prayer है, प्रार्थना है. सबके लिए प्रार्थना करते हैं, कहते हैं जब हम दूसरा कोई कष्ट पे हैं उसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रार्थना. अगर मुझे चाहिए कुछ, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी अच्छी शादी हो जाए, मेरे अच्छे बच्चे हो जाए, बड़ा घर बन जाए, मेरे लिए मांग रही हूँ 24 घंटे, तो ये बैगिंग है. उसको बोलते हैं कि आप भीख मांग रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए मांग रहे हैं कि उसका भला हो जाए, उसको नौकरी लग जाए. दूसरे के लिए आप स्वार्थ नहीं है इसमें आपका, वो आपकी प्रार्थना होती है. तो हार्टफुलनेस में हम तीन चीज के बारे में पढ़ते हैं और करते हैं एक्सपीरियंस, ध्यान, सफाई और प्रार्थना. तो मैं अभी आपको लेके चलती हूँ रिलैक्सेशन की तरफ. सबसे पहले रिलैक्सेशन और फिर हम ध्यान करेंगे. तो आप सब लोग तैयार हैं, तो मैं अभी ये स्टॉप शेयर कर देती हूँ और अपने इसको आराम जाए और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें. अपने आप को पूरा ऑब्जर्व करें, सर से लेकर पांव तक. और पांव से लेकर सर तक अपने आप को देखें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है. हल्के से अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाएं और महसूस करें धरती मां से ऊर्जा आपके पैरों में प्रवेश कर रही है. यह ऊर्जा स्वस्थ वर्धिनी ऊर्जा है. फील दिस एनर्जी, दिस हेल्दी एनर्जी इज एंटरिंग टू योर फीट. आप पैर के तलवे एकदम आराम मग्न हो गए हैं. अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों को धीरे से हिलाएं और उन्हें रिलैक्स हो जाने दें. इस एनर्जी को ऊपर की ओर बढ़ता हुआ महसूस करें. इसे अपने टखनों, पिंडलियों, घुटनों,
जांघों और कुल्हों पर महसूस करें. फील द एनर्जी इज मूविंग थ्रू आउट योर होल लेग्स. अपने दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें. और महसूस करें कि दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो गए हैं. ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है. इसे अपने कमर के निचले भाग पर महसूस करें. किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो आपकी कमर के निचले भाग पर एकत्रित है वो पिघल रही है. और हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा रही है. एनर्जी धुआं के रूप में निकल रही है. आप कमर का निचला हिस्सा एकदम रिलैक्स हो गया है. Energy is moving to your middle part of the back, कमर मध्य भाग तथा ऊपरी भाग पर इस ऊर्जा को महसूस करें. Your back is completely relaxed now. आपकी पूरी कमर एकदम रिलैक्स हो गई. बहुत हल्के से अपना ध्यान अपने पेट पर लाएं. पेट की मांसपेशियां ढीली होकर एकदम आराम में डूब गई हैं. पेट के अंदर सारे ऑर्गन मैम आप म्यूट पे हैं. रुचिका मैम अपने दोनों कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें. सारा तनाव फिक्र और चिंताएं जो भी आपके कंधे पर बोझ बनी हुई हैं, सब पिघल रही हैं. आपके दोनों कंधे एकदम हल्कापन महसूस कर रहे हैं. सारी करोड़ चिंताएं पिघल कर धुआं के रूप में बाहर जा रही हैं. दोनों एकदम हल्के और आराम में गए. एकदम हल्के हो गए. फील इट इज हैपनिंग.
दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि वो एकदम रिलैक्स हो गए। Feel the energy moving from your shoulders to your upper arms. आपके कंधों से ऊर्जा आपके बाजुओं में प्रवेश कर रही है। मैम म्यूट पे हैं। बहुत हल्के से अपना ध्यान अपनी गर्दन पर लाएं। गर्दन की मांसपेशियों को एकदम ढीला हो जाने दें। Your neck is getting relaxed. चेहरे पर इस ऊर्जा को महसूस करें। आपकी थोड़ी दांत और जबड़े एकदम रिलैक्स हो गए हैं। आपके गाल और कान एकदम रिलैक्स्ड, आपके होंठ, नाक, आंखें, आईब्रोज और माथा एकदम रिलैक्स हो गए हैं। पूरा चेहरा ऊर्जा से दमक रहा है तथा एकदम आराम में डूब गया है। अटेंशन टू योर क्राउन हेड, अपना ध्यान Your head is relaxed. Your brain is relaxed. आपका दिमाग एकदम शांत और एकदम प्रसन्न चित्त महसूस हो रहा है आपको, ऐसा कि आप एकदम प्रसन्नता की स्टेट में है। आप बहुत हल्के से अपना ध्यान अपने हृदय पर हार्ट ऐसा महसूस करें कि ईश्वर वहां पर पहले से ही मौजूद है। गॉड हिमसेल्फ इज प्रेजेंट इन योर हार्ट एंड ही इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन लाइट। यह जो ईश्वर हमारे हृदय में मौजूद है, यह दिव्य प्रकाश रूप में, दिव्य प्रकाश आपको अंदर की ओर खींच रहा है।
अपने ध्यान को अपने हृदय हृदय पर कुछ समय लगाकर रखें। अगर आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है तो इसे फिर से अपने हृदय पर कराएं और दिव्य काश के ऊपर कुछ समय तक अपना ध्यान लगाकर रखें। डॉक्टर रुचिका यू देयर? और दी मैम आपका वीडियो पॉज हो रहा है और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं ऑडिबल? मैम इज इट ओके नाउ? यस इट्स ओके नाउ, बट बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हुआ था सो आई डोंट थिंक सो कि किसी ने कुछ सुना होगा बिकॉज वीडियो भी पॉज हो गई थी और ऑडियो भी नहीं आ रही थी। लाइट का बहुत चक्कर है। ओके सो पूछ सकते हैं? आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्टेड कनेक्शन टुडे। No problem at all, ma'am. किसी का कुछ क्वेश्चन है? Can anybody unmute themselves and ask? Is it allowed? Yes, it's allowed. Shobhna ma'am, Kitanjali ma'am, Savita ma'am, कुछ किसी का क्वेश्चन है related to yoga? नहीं नहीं. Okay. So, thank you so much, Dr. Ruchika. या मैम मैं तो बहुत अजीब सा लग रहा है बिकॉज अगर इंटरप्शंस थी तो आई कुड नॉट रियली जस्ट पास ऑन द इंफॉर्मेशन व्हिच आई वांटेड टू। नहीं आपने जो बताया सबको समझ में आया, बहुत अच्छे से बताया आपने। बट आपका सिर्फ जो लास्ट आपने वो जो मेडिटेशन वाला पार्ट किया है ना, सिर्फ वहीं से इंटरप्शन थी, अदरवाइज आपका पूरे सेशन में कोई इंटरप्शन नहीं थी। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो हम सब ग्रुप में हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो
हम वैसे आशियाना टाउन, आशियाना अनमोल, इसमें भी सब में मेडिटेशन कर रहे हैं. अभी तो सब वर्चुअली चल रहा है जूम पे, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं. एंड द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट हार्टफुलनेस इज दैट देयर इज नो फीस, इसका कोई चार्ज नहीं है. और ये अपार्ट फ्रॉम इंडिया इट इज एग्जिस्टिंग इन 160 नेशंस. तो आप बाहर भी अगर जाते हैं तो वहां पे भी आपको हार्टफुलनेस मिलता है. इसका एक ऐप भी है, हार्ट्स ऐप होते हैं, और उसके थ्रू आपको लग रहा है कि दिन में रात में मुझे कभी सिटिंग लेनी है, मुझे मेडिटेट करना है, तो आप मेडिटेट भी कर सकते हैं उसकी मदद से. So I am sharing my number. If in case somebody would like to contact me, please do so. Okay, so we've received your number. It's 8527434261, right? Yes. Okay. So chat box में number है, आप लोग number note कर सकते हैं. और किसी को भी कोई query हो related to yoga or meditation, you can contact Dr. Rachika Yadav. मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि जैसे आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में हो रही है, तो उसके लिए ऐसा कौन सा योगा करें जो अच्छा लगे और ये प्रॉब्लम ना हो? या कविता जी, एक्चुअली क्या है कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, अधिकतर प्रॉब्लम्स ना पेट की प्रॉब्लम्स हैं. पेट की वजह से ही हमारा एसिडिटी और ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं. तो अगर हमारा पेट ठीक है, हम ज्यादा तला भुना नहीं खा रहे हैं, ज्यादा चाय नहीं पी रहे हैं, कॉफी नहीं पी रहे हैं, तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम तो वैसे भी ठीक हो जाती है. वैसे उज्जाई एक करके एक हमारा प्राणायाम होता है, अगर आपको उस पर इंटरनेट पे सर्च करेंगे उज्जाई डाल के, तो उसमें क्या, उसमें आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा. इवन इसके लिए ना कुछ पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे ये वाला जो पॉइंट होता है आपके रिंग फिंगर के ऊपर वाला जो होता है पॉइंट, इसको कुछ देर प्रेस करते हैं तो भी उससे हमें एसिडिटी में रिलीफ मिलता है. ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है हमारा. okay. यहाँ पे भी हम कर सकते हैं इसको, ये देखिए यहाँ से ऐसे. तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनको भी हम प्रेस कर सकते हैं. बाकी तो खाने पीने पे हमारे बहुत सारा होता है. और एक और चीज जिसपे हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, वो होता है हमारे विचार. अगर मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी है, परेशानी है, लेडीज में एक प्रॉब्लम होती है जो होती है जेलस फैक्टर, ईर्ष्या हो जाती है, उसकी वजह से एसिडिटी होती है. और जो अपने पुरुष भाई होते हैं उनमें जो प्रॉब्लम होती है वो ईगो की प्रॉब्लम होती है. शास्त्रों में तो कहा भी गया है कि अगर कोई स्त्री अपना ईर्ष्या वाला जो एंगल है वो कम कर ले तो लाइफ में स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकती है. और अगर कोई पुरुष भाई है वो अगर अपने ईगो को कम कर ले, जो होता है ना मैं फैक्टर, मैं हूँ पुरुष हूँ या जो भी इस तरह का फैक्टर, उसको थोड़ा कम कर ले तो वो भी बहुत प्रोग्रेस कर सकता है अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली. तो ये चीज अगर हम थोड़ी सी कम कर दें तो मुझे लगता है हमारी एसिडिटी और ये सब चीजें दूर हो जाएंगी. और मुझे लगता है मुझे ना ध्यान से बहुत फायदा हुआ. मुझे बहुत टेम्पटेशन, जेलस बहुत ज्यादा होता था पहले, लेकिन धीरे धीरे जब मैं ध्यान करती गई तो ये सब चीजें ना सबसाइड हो गई. अभी वो लगता है कि अरे ये क्या है, इसका कोई पर्पज ही नहीं है. तो हम सब इसको धीरे धीरे करें, लाइफ में लेके आए और डेफिनेटली हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे. तो ये बहुत ही खूबसूरत तोहफा है लाइफ का जो हार्टफुलनेस ने मुझे दिया. और अब तो मैं तो ये चाहती हूँ कि अनमोल के जितने भी अपनी मॉम्स हैं सब करें इसको और लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं. तो आप सब लोग इसको कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा. थैंक यू. मेडिटेशन तो मेडिटेशन हम लोग सोने से पहले भी कर सकते हैं ना, रात में थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन है ये आपका सबकॉन्शियसली भी काम करता है. आपका जब आप सो जाते हैं तो भी आपका माइंड जो होता है वो एक्टिव रहता है. आपको पता है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो कॉन्शियस माइंड से 95% ज्यादा एक्टिव होता है, जबकि हमारा पूरा फोकस हमारे कॉन्शियस माइंड पे होता है. वो सिर्फ 5% है हमारी पर्सनैलिटी का, इसलिए हम परेशान रहते हैं. लेकिन जो मेडिटेशन है वो सबकॉन्शियस माइंड जो 95% है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारे को. तो कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% है जी. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम. मैम आई एम फ्रॉम आशियाना उमंग एक्चुअली, जयपुर. यहाँ पर एक मैम है स्वाति मैम करके, वो मेडिटेशन करवाती हैं. तो हमने जब से स्टार्टिंग से, जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तब से जा रही हूँ. लेकिन पता है जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं ना तो मतलब ध्यान लग ही नहीं पाता. वो जो विचार है ना, कुछ ना कुछ माइंड में चलता ही रहता है. इवन मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं, हमने बहुत ट्राई किया है,
बट मतलब फोकस नहीं हो पाता मेडिटेशन पे। उन्होंने मंगल करके कुछ 40 डेज चैलेंज भी था, वो भी किया, बट कोरोना के कारण फिर वो सब हमें बीच में छोड़ना पड़ा। बट हमने बहुत घर पे भी हम लोग करते हैं, वो तो 10 ईयर्स से कर रही हैं, उनका तो खैर काफी है, हम लोग कर रहे हैं बट ध्यान लगता ही नहीं है। इवन रात को भी जैसे ना माइंड सेट बिल्कुल शांति नहीं मिलती ना, वो वाली बात है। तो अगर ऐसा कुछ है कि हाँ किस तरह से हो सकता है तो आप वो बता दीजिए। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, हिमांग, सॉरी वो मेरे बेटे का, मैम नेहा, नेहा ओके। हमारा ना घर है वहाँ भी आशियाना उमंग में। ओके ओके। तो अभी तो वो हमने कुछ उसमें काम कराया है वुडन वर्क, तो हम वहाँ पे भी आते रहते हैं। लक्ष्मीपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी के पास है, राइट? ओके ओके जी 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 हाँ जी। तो नेहा जी आप है ना एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि हम जब हार्टफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो हम इसमें ना एक एनर्जी का यूज करते हैं।